वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई रियली होप आप सब अपने घरों पर बहुत मजे से और एकदम सेफ होंगे एंड इस फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज के साथ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा कलेक्शन जो कि एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस स्पेशल होने वाला है। आपको अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही प्रीमियम और हैवी लुक में मिल जाते हैं कुर्ती, कुर्ता सेट्स विद दुपट्टा एंड साड़ी भी है एंड काफी सारी रैंडम चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत यूजफुल होने वाली है इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन में आप लोगों के लिए। सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से ले लिए हैं और इनके लिंक जो है नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स को जरूर चेक करिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आती है आप लोगों के लिए यूजफुल होती है जेन्युइनली अगर आपको लगता है तो ही इसको लाइक करिएगा या फिर कॉमेंट करिएगा, क्योंकि आप सबके लाइक और कॉमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे इस छोटे से चैनल की ग्रोथ के लिए। और अगर इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियोज या फिर रिव्यू वीडियोज आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का प्यारा सा हॉल पिटारा चेक करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकदम लेटेस्ट कलेक्शन जो कि इस तरीके का ब्यूटीफुल सा कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट आपको मिल जाता है अंडर 700 रुपीस में। जी हाँ, अंडर 700 रुपीस में है और गो सिरगी ब्रांड का है। बहुत ही ब्यूटीफुल मस्टर्ड एंड लाइम कलर का कॉम्बिनेशन है इस सेट का। तो अगर हम कुर्ते की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको ब्यूटीफुल सा कुर्ता मिल जाता है। राउंड नेक है इसका एंड फ्रंट पे इसके योक पार्ट पे आपको ये पैच वर्क मिलेगा जिसमें कि बहुत ही भरा हुआ और एकदम नीट क्लीन सीक्वेंस का गोल्डन कलर का जरी सीक्वेंस का वर्क मिलेगा एंड फूशिया पिंक कलर का आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल काम है, एकदम क्लीन कुछ इस तरीके से ओवरऑल इसका नेक हो जाता है एंड ये जो है आपको अंडरनीथ नहीं छुपेगा बिकॉज ये पैच है। सो अंडरनीथ एकदम सॉफ्ट फैब्रिक रहने वाला है इसका, सो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। सो ओवरऑल कुर्ते की जो लुक आ जाती है फ्रंट में वो कुछ इस तरीके की है। इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएंगी गाइस 3/4 कुछ इस तरीके की एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की ना नेट की डिटेलिंग दे रखी है। ये देखिए कुछ ऐसी नेट का भी जो फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो। बाकी ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है एंड ट्रू टू द साइज वेयर करने पे बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लग रहा है। नीचे ये आपको पूरा का पूरा इसी सॉलिड कलर में मिल जाएगा। ये देखिए फैब्रिक भी जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन क्वालिटी है इसकी। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड पे भी आपको ये पूरा का पूरा इसी प्लेन सॉलिड कलर में मिलने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कलर है, ये भी हर स्किन टोन पे जाता है एंड वेयर करने पे बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है एंड एकदम यू नो फेस्टिव शेड है ये। तो इसको आप किसी भी ओकेजन में स्पेशली दिन में रात में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी इसको वेयर कर सकते हो। साथ में आपको मिल जाएगी फुली इलास्टिकेटेड पैंट कुछ इस तरीके से जिसका अच्छा खासा बैंड है कुछ इस तरीके से। साइड में आपको मिल जाती है पॉकेट्स दोनों ही तरफ जो कि अच्छी डेप्थ में है एंड ये जो है रेगुलर फिट का पैंट है। ये देखिए कुछ ऐसा नीचे बहुत ही हल्का सा नैरो फिट है बट कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी इसी तरीके से नेट की इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है जैसे कि इसकी स्लीव में थी। ये देखिए कुछ ऐसी सेम शेड है इसकी नेट का भी एंड ये भी जो है सेम फैब्रिक में ही आपको मिल जाता है जैसे कुर्ते का क्लॉथ था, तो काफ़ी ज़्यादा यू नो सॉफ्ट है ये भी। आप इसको यू नो और भी अपनी कुर्तीज़ वगैरह के साथ पेयरअप कर सकते हो। नाउ इसके साथ हमको जो दुपट्टा मिलता है वो कॉटन सिल्क में है कुछ इस तरीके से। ये देखिए दुपट्टे की लेंथ और विड्थ जो है वो एकदम परफेक्ट है। बाकी आपको फूशिया पिंक कलर में मिल जाएगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे इसके चारों तरफ आपको ये वाला जरी वूवन बॉर्डर मिल जाता है एंड साइड में मिल जाते हैं आपको ये टैसल वर्क कुछ इस तरीके से। तो पूरा दुपट्टा इसी प्लेन कलर का रहने वाला है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट कर रहा है। ओवरऑल बहुत ही प्यारा एंड डिसेंट परचेज है गाइस, अफोर्डेबल है अंडर 700, तो आपको इसको डेफिनेटली बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्वालिटी वाइज भी इट्स 100% रिकमेंडेड, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती जो कि कुछ इस तरीके से है पाकिजा ब्रांड की एंड इसका जो फैब्रिक है वो है खादी कॉटन, बहुत ही प्रीमियम एंड रिच क्वालिटी। कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट में जो है राउंड नेक मिल जाता है एंड यहाँ पे हल्की सी आपको कुछ इस तरीके की स्लिट मिलेगी। नाउ आप इसका योक पार्ट देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। पूरे ही योक पार्ट पे आपको कुछ इस तरीके से जरी वूवन वर्क एंड मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा। साथ में कुछ इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे जो है आपको क्रोशे का वर्क मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा ही क्रोशा वर्क कर रखा है इन्होंने इसमें एम्ब्रॉयडरी का, तो आप देख सकते हो मल्टी कलर का वर्क है एंड बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल बना देता है। सारे ही कलर्स बहुत प्रिटी लग रहे हैं। इस कुर्ती में आपको जितना भी वर्क दिख रहा है गाइस वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए कुछ इस तरीके से
बहुत ही ब्यूटीफुल एंड प्यारा कुछ ऐसा। एंड ये वाले जो आप फ्लावर्स देख रहे हो, ये पूरे ही फ्रंट में आपको इसी तरीके की डिटेलिंग जो है कुर्ते में मिल जाएगी। ये देखिए जगह जगह कुछ इसी तरीके की फ्लावर एम्ब्रॉयडरी इन्होंने करी हुई है कुछ ऐसी। सो ओवरऑल जो है इसका लुक फ्रंट में कुछ ऐसा हो जाता है। स्लीव्स हमको इसमें मिल जाएंगी 3/4 कुछ इस तरीके से, एंड स्लीव्स के बीच में इन्होंने ना इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वर्क दे रखा है आपको, पूरा पूरी ही बाजू में है घेर पे, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी का वर्क और गोटा पट्टी का वर्क आपको मिल जाता है। ये देखिए कुछ ऐसा वर्क है इसकी पूरी ही स्लीव्स में। नाउ ये जो है गाइस स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, टू टू द साइज, एकदम परफेक्ट और बहुत अमेजिंग लगता है ये वेयर करने के बाद। नीचे आप देख सकते हो पूरे नीचे तक आपको इसमें पूरा इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। साइड पे आपको चाक पे एंड यहाँ नीचे पूरा गोटा पट्टी का वर्क मिल जाएगा, जो कि फ्रंट में भी है एंड बैक साइड पे भी है। सो ओवरऑल जो है इसका लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ जाता है। मल्टी कलर के इसमें वर्क हो रखा है, तो आप किसी भी कलर का बॉटम वेयर इसके साथ पेयर अप कर सकते हो। हल्की फुल्की ज्वेलरी इसके साथ वेयर कीजिए एंड ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है इस फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन के लिए। बैक साइड पे जो है आपको ये सॉलिड कलर का मिल जाएगा इसी तरीके से, ब्लू शेड का। एंड बैक साइड पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ इस तरीके से गोटा पट्टी का पूरा वर्क लगा रखा है। सो बहुत ही प्रिटी कुर्ता है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी एक और कुर्ती जो कि पाकिजा ब्रांड की ही है, कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल मिल्की व्हाइट शेड में आपको मिल जाती है। एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड शेयर नहीं है, इसका फैब्रिक काफी थिक है, जूट कॉटन है, खादी कॉटन, एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये भी वेयर करने के बाद। राउंड नेक आपको इसमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। बाकी ये पिंक कलर की क्रोशे की जो आप लेस डिटेलिंग देख रहे हो, ये पूरी ही फ्रंट पे आपको मिल जाएगी एंड स्लीव्स पे भी मिलेगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क हो रखा है इसके ऊपर, एंड इसमें भी आपको मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये पूरा ही वर्क जो है इसमें कुछ ऐसे जा रहा है कुर्ती पे। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप, पूरा वर्क ऊपर से लेके नीचे तक कुछ इस तरीके से है, बहुत ही नीट एंड क्लीन पूरा काम हो रखा है, कहीं से भी कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है। एंड इन्होंने पूरी ही एम्ब्रॉयडरी को अंडरनीथ सिक्योर कर रखा है क्लॉथ से, सो आपको कुछ भी यहाँ पे अंडरनीथ जो है चुभने वाला नहीं है। ये देखिए पूरा ही ये सिक्योर्ड है। एंड अगर हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हैं इसकी, 3/4 स्लीव्स हैं इसमें। एंड स्लीव्स में आपको पूरा कुछ इस तरीके से जो है ये क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी, एंड बीच में ये पूरा का पूरा वर्क मिल जाएगा सीक्वेंस का और एम्ब्रॉयडरी का, आप देख सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बाकी आप ट्राई ऑन को देखिए ये कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है वेयर करने के बाद। सो अगर आप कुछ लाइट कलर का देख रहे हो तो ये तो मस्ट हैव होने वाला है, बहुत प्रिटी लगता है। ओवरऑल पूरा ये इसी तरीके से रहेगा, साइड में ये पूरा पोर्शन जो है प्लेन छोड़ा हुआ है, बीच में पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क है। एंड ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, ट्रू टू द साइज, तो आपका जो भी साइज़ है आप साइज चार्ट के अकॉर्डिंगली इसको बाय कर सकते हो। बैक साइड पे आपको ये पूरा प्लेन इसी फैब्रिक पे मिलने वाला है मिल्की वाइट कलर का, ये देखिए कुछ ऐसा। सो पाकिजा में आप गाइस ब्लू जो मैंने आपको शेयर किया है आप वो ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करके देख सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे आपको बहुत प्रिटी प्रिटी कुर्ताज मिल जाते हैं, यू नो अंडर 1000 रुपीज़, फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड एंड काफ़ी डिफरेंट पैटर्न पे, तो आप उनको ज़रूर एक्सप्लोर करके देखिए। नेक्स्ट गाइस आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही प्रिटी साड़ी, बहुत डिफरेंट कुछ इस तरीके से हमको रॉयल ब्लू कलर में मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है गाइस। इसका जो फैब्रिक है वो है जॉर्जेट, एंड साड़ी जो है गाइस आपको पूरी 5.5 मीटर्स की मिलती है, एंड ब्लाउज भी जो है वो एकदम प्रॉपर है, मैंने एक्चुअली वो स्टिच करने के लिए दे रखा है। सबसे पहले मैं साड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको ब्लू कलर का जॉर्जेट फैब्रिक है, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है, साइड पे पूरी ये स्टिच होके मिलती है, सो यहाँ पे कोई भी थ्रेड नहीं निकल रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। नाउ स्टार्टिंग में ड्रेपिंग एरिया आपको खाली मिल जाएगा कुछ ऐसे, एंड बीच में पूरी ही साड़ी पे आपको कुछ इस तरीके का वर्क मिलेगा कि ऊपर वाला पोर्शन जो है ये पूरा प्लेन है, एंड नीचे आपको इसमें इस तरीके से ना पूरा फॉल्स मिरर की डिटेलिंग मिल जाएगी और साथ में ये मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल लग रहा है। बाकी नीचे जो है आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसमें रॉ सिल्क का फैब्रिक जो है इन्होंने स्टिचिंग में दे रखा है। ये देखिए कुछ ऐसा पैच वर्क जो कि शाइन कर रहा है, एंड ओवरऑल बहुत प्रिटी साड़ी है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपको इतना हाफ पार्ट जो है इसका प्लेन ब्लू मिलता है, एंड नीचे पूरी ही साड़ी पे आपको ये फॉल्स मिरर की डिटेलिंग और ये मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा। सो ओवरऑल पूरी साड़ी ऐसी ही जाने वाली है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल है। एंड अगर हम इसके आंचल की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आप देख सकते हो ये वाला पैचवर्क इन्होंने आंचल के तीनों साइड पे लगा रखा है, काफ़ी अच्छी शाइन आ रही है इसमें, एंड पूरे आंचल पे आपको यही वर्क देखने को मिल जाएगा। ये देखिए
सच अ ब्यूटीफुल पीस गाइस, कुछ इस तरीके का आप वेयर करना पसंद करते हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हो। ये दिखने में जितनी ज़्यादा हैवी है ये उतनी ही लाइट वेट है वेयर करने पे, क्योंकि ये फॉल्स मिरर का वर्क है एंड बहुत ग्रेसफुल है। ये देखिए पूरी साड़ी ऑल ओवर यू ही रहेगी। ये हो जाता है इसका आँचल का एंड कुछ ऐसे, तो आप देख सकते हो ये पैचवर्क जो है पूरे ही आँचल पर यहाँ पे ऐसे लगाया है एंड ये हो जाता है इसका पूरा वर्क। ये देखिए कुछ भी पेस्टिंग में नहीं है। बैक साइड ये देखिए, ये है साड़ी की, पूरा थ्रेड वर्क जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ इस तरीके की साड़ी पसंद करते हो आप इस पर यू नो इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्लाउज जो है गाइस एग्जैक्टली इसी फैब्रिक का और इसी कलर का है, मैंने स्टिच करने के लिए दे रखा है। जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसका जो है एक साड़ी का पिक जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वहाँ पे भी जरूर फॉलो कीजिए। आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही प्यारा कुर्ता सेट जो कि इस यू नो फेस्टिव सीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। कुछ इस तरीके से आपको ये कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा। राउंड नेक है इसका कुछ इस तरीके से एंड पूरे ही फैब्रिक पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क और सीक्वेंस का वर्क स्टिचिंग में मिल जाएगा। पूरे ही फैब्रिक में है बट ये कुर्ते के फ्रंट साइड में है। सो ओवरऑल इसकी लुक कुछ ऐसी होती है कुर्ते की। 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिल जाएंगी। स्लीव्स में भी पूरा सीक्वेंस का वर्क और एम्ब्रॉयडरी वर्क है कुछ ऐसा एंड स्लीव्स के एंड पे आपको ये पैचवर्क मिल जाएगा। साथ में ये पाइपिंग, गोल्डन पाइपिंग एंड मरून कुछ ऐसा यू मिल जाएगा। नाउ ये जो है गाइस स्ट्रेट फिट का कुर्ता है, ट्रू टू द साइज। पूरा फ्रंट में आपको कुछ इसी तरीके से मिलने वाला है, ये देखिए। सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंड प्यारा लगता है वेयर करने पर एंड बैक साइड पे जो है ये आपको एकदम प्लेन मिल जाएगा ब्लू कलर में कुछ इस तरीके से। ये देखिए पूरा इस तरीके से है एंड ये भी जो है काफ़ी ग्रेसफुल लगता है। इसके साथ इन्होंने जो आपको बॉटम वेयर दिया है वो सेमी इलास्टिकेटेड है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। साइड में इन्होंने आपको पॉकेट्स प्रोवाइड करी हैं दोनों तरफ, तो आप कुछ भी कैरी कर सकते हो उसमें एंड सॉलिड कलर का रेगुलर फिट में है कुछ ऐसा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। इसको जो है आप अपनी और भी कुर्तीज़ वगैरह के साथ पेयर अप कर सकते हो। इसका भी जो फैब्रिक है वो 100% कॉटन है, सेम जैसा कि कुर्ते का था। नाउ इसके साथ इन्होंने जो दुपट्टा प्रोवाइड किया है उसकी लेंथ और विड्थ एकदम परफेक्ट है एंड फैब्रिक जो है उसका कॉटन है दुपट्टे का, आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये देखिए साइड पे आपको जो है कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है, इसमें लीफ पैटर्न बना रखा है पूरा एंड ये जो है दुपट्टा गाइस दोनों तरफ यूं स्टिच्ड है तो थ्रेड नहीं निकल रहा है। बाकी बीच में आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा पूरे ही दुपट्टे में। ये देखिए पूरा आप ये जो गोल्डन कलर देख रहे हो ना, ये फॉल प्रिंट का वर्क है, बहुत ही मिनिमल सा। तो आप इसको कम्फर्टेबली घर में ही हैंड वॉश कर सकते हो, बहुत ही लाइट सा इसमें जो है फॉल प्रिंट का वर्क हो रखा है एंड ये हो जाता है दुपट्टे का दूसरा सिरा। ये देखिए सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल सेट है ओवरऑल। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का पसंद है वेयर करना यू नो डार्कर शेड्स में तो ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई करके। नेक्स्ट साइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ यू नो अफोर्डेबल एंड बहुत ही ट्रेंडिंग मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इस तरीके का यू नो वेरी हैंडी डिओड्रेंट जो कि मिनीसो से है। मिनीसो में आपको इसके बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे एंड का जो कॉस्ट है गाइस वो 90 रुपीज़ का है और आपको ये उससे भी कम पे अमेजोन पे मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है एंड इसका ये जो है ट्विंकल स्टोन्स करके है, ये वाला सनसेट पर्पल एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग डिओड्रेंट। अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे बहुत ही यू नो माइल्ड सी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है इसकी एंड स्टे इसका 3-4 आवर्स तक रह जाता है। आप इसको आराम से यू नो कैरी करके कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, अगर आप किसी यू नो पार्टी में जा रहे हो या फिर वेडिंग में हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। आई मीन अंडर 90 रुपीज़ है यार, मतलब और क्या ही लेंगे हम। तो ये जो है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसका ये वाला यू नो वेरियंट चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मिनीसो के परफ्यूम्स को एक बार जरूर चेक करके देखिएगा क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। नाउ हम आ जाते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप पे ना स्विस ब्यूटी का मैंने कुछ इस तरीके से उनका कलर्ड लाइनर ले लिया है जो कि ये है रॉयल ब्लू शेड में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज। इसका एक्चुअली मेरे पास टर्कोइज ब्लू कलर भी है बट वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो घर पर कहीं मिसप्लेस हो गया है। इसका जो आप देखोगे कुछ इस तरीके का आपको ना पेंसिल शेप में मिल जाएगा एंड ये इसकी कैप है एंड अगर मैं आपको इसका पे आउट दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से एक ही सिंगल स्वाइप में ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका शेड आ जाता है। तो कुछ ऐसे ना मतलब कलर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगते हैं। अगर आपको आई मेकअप करना नहीं आता है एंड आपको कुछ क्विकली करना ना तो कुछ इस तरीके के स्विस ब्यूटी के जो हैं कलर्ड आई पेंसिल्स रख सकते हो। जस्ट इसको आप लाइनर की जगह लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। कोई आई शेडो लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्लिटर की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सिंपल पेंसिल
नेचुरल बहुत अमेजिंग लुक दे देती है आपकी आईज को। सो ये शेड जो है मुझे बहुत अमेजिंग लगा, आप देख सकते हो, ये देखिए एक ही स्वाइप में आपको कुछ इतना पे आउट दे देता है ये। इसका स्टे भी जो है काफ़ी अच्छा है एंड ये जो है समवेयर अराउंड आई थिंक 250 कुछ का है, बट ये हमको यहाँ पे 220 या 230 कुछ का पड़ जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें आपको स्मोकी ग्रे भी मिलेगा, ग्रीन भी है, टर्कोइज ग्रीन का बहुत ब्यूटीफुल शेड है गाइज, वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नाउ गाइज अब हम आ जाते हैं लिप शेड्स में। सो लिप शेड में मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कलर बार का ये ब्यूटीफुल मैट टच लिपस्टिक जो कि है क्लोज अफेयर 56 नंबर है इसका। कुछ इस तरीके से आपको ना ये ऐसी पैकेजिंग में मिल जाएगा, बुलेट में है एंड इसका जो शेड है कुछ इस तरीके से ना पीच कलर है। सो अगर आपको ना कुछ पीच शेड वेयर करना पसंद है लाइट अगर आप देख रहे हो डे फंक्शंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। जस्ट ये सिंगल स्वाइप में आप देख लीजिए कुछ ऐसा पे आउट है इसका एंड ये जो है मैट फिनिश में है। इसका स्टे काफ़ी अच्छा है, आप जितना मर्जी खा पी लो ऑयली ग्रीसी ये स्टे करता है काफ़ी अच्छा एंड मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इसको उतार के आपको दिखाती हूँ इसका कलर यहाँ से, ये देखिए कुछ ऐसा आ जाता है। ये देखिए ये सिंगल स्वाइप है इसका एंड ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो आप जो हो कुछ इस तरीके का यू नो पीच शेड देख सकते हो, ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आता कभी भी। सो मैं स्टोर पे जाकर के कभी बाय करती हूँ बट जब कलर बार की या फिर यू नो मेबलिन की बात आती है मैं आँख बंद करके अमेजोन से परचेज कर लेती हूँ उसको। नाउ नेक्स्ट जो है ये सबका फेवरेट शेड है जो कि है टच ऑफ स्पाइस 660 मेबलिन मैट लिप शेड। कुछ इस तरीके से ये भी बुलेट में आ जाता है एंड आप देख सकते हो मैं इसकी मतलब 3 to 4 ट्यूब्स यूज़ कर चुकी हूँ, 4 to 5 ईयर्स मुझे हो चुके हैं और ये शेड मेरे लिए मस्ट हैव है, हमेशा ही होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सी ड्रेस के साथ या फिर कलर के साथ हम कैसे लिप शेड लगाएं, तो ये एक ऐसा न्यूट्रल शेड है जो हर स्किन टोन पे जाता है और आपकी किसी भी कलर की ड्रेस हो उसके साथ ये बहुत अमेजिंगली मैच होता है। इसका पे ऑफ भी जो है काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो है एक ही स्वाइप में आपको इतना पे ऑफ मिल जाता है इसका एंड शेड काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये भी वेयर करने के बाद। तो ये तो आई मीन आपके पास होना ही चाहिए, अंडर 250 आपको मिल जाता है ये हमेशा ही अमेजोन पे, तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा। इसमें एक न्यूड नुआंस भी आता है वो भी आप ले सकते हो, अगर आपको यू नो अर्ली टोन्स पसंद है कुछ ब्राउन शेड में तो आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट है गाइज ये शुगर का नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक 02 रेड रश में एंड कुछ इस तरीके से ये भी जो है हमको मैग्नेटिक बुलेट में मिल जाता है कुछ ऐसे एंड ये जो है थोड़ा सा पीची ब्राउन शेड में है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से इसका शेड हो जाता है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये भी। मैट में है ये एंड इसका ये भी जो है आराम से आपके यू नो लिप्स पे टिका रहता है, आप ऑयली ग्रीसी कुछ भी खा लो बिल्कुल भी हटता नहीं है। एंड इसके साथ जो इन्होंने ना एक ये मिनी लिपस्टिक स्मच मी नॉट और इसका शेड जो है प्रीची पीच 44 नंबर दिया है जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट गिफ्ट है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेड जो है हमको मिल जाता है ना, ये जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है कुछ ऐसा एंड आप देख सकते हो कि इसका शेड कुछ इस तरीके से आ जाता है, एक्चुअली इसके साथ काफ़ी मैच कर रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है। मैंने अभी तक इसको यूज़ करके नहीं देखा है सो मैं इसके स्टे के बारे में भी नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ जो कुछ इस तरीके के यू नो मैट में होते हैं इनका स्टे काफ़ी अच्छा होता है, ड्यूरेबल होता है, तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो। सो आई रियली होप गाइस कि आज का वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे दे रखे हैं एंड काफ़ी सारी ऐसी अच्छी अच्छी हॉल वीडियोस और आने वाली हैं, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। खूब सारा एंजॉय कीजिए इस फेस्टिव सीजन में अपने और यू नो अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बट अपना और अपनी फैमिली का ध्यान भी रखिएगा। जब तक मैं लाती हूँ नेक्स्ट हॉल वीडियो, खूब सारे मज़े कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ड, सी या।